पल पल की खबर। जगदलपुर जिले की बोधघाट पुलिस ने 51 किलो गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजे को लेकर एक धर्मशाला में रुके हुए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और दोनों को गांजा समेत पकड़ लिया। आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर आए थे और उसे बिहार ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता से दोनों पकड़े गए। जब्त गांजे की कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर यह गांजा बिहार पहुंच जाता तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती। बहरहाल आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जगदलपुर शहर में अवैध रूप से गांजे का संग्रहण कर परिवहन करने की फिराक में हैं। और इस सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट परमानंद ठाकुर के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा जो है गोयल धर्मशाला के एक संदिग्ध क्षेत्र में जो है रेड कार्यवाही किया गया। और इस रेड कार्यवाही के दौरान इस मामले के दो संदेही राजदेव सिंह और विकास सिंह, जो दोनों गोपालगंज बिहार क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके कब्जे से करीब 51 किलोग्राम अवैध गांजा जो है संग्रहण करना पाया गया। और इनसे पूछताछ में इन्होंने जो है उड़ीसा से यह गांजा लाकर जो है बिहार की ओर लेके जाने की योजना होना बताया गया है। और इस मामले में 51 किलोग्राम जो है अवैध गांजा दोनों आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया है। और इस मामले में थाना बोधघाट में धारा 20 बी NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस प्रकरण में जो जब्त शुदा गांजे की अनुमानित कीमत है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। और इस मामले में आरोपी राजदेव सिंह और विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।